नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों के सितारे में जानेंगे कि आज राशियों के हिसाब से आपका दिन कैसा रहने वाला है, कम्युनिटी बाजार शेयर बाजार कैसा देखने को मिल सकता है आज ज्योतिष के आधार पर। तो इसके लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी, जिनसे हम जानेंगे सबसे पहले कि आज राशियों के हिसाब से आज आपका दिन कैसा रह सकता है और वो कौन सी राशियां हो सकती हैं जिनमें आज मुनाफा लिखा हुआ है। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम सीवी पर। अखिलेश राठी जी और मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं को कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से मैं आपसे मुखातिब होता हूं। आज 24 नवंबर 2021। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम कृषि जीन्स, नॉन एग्रो कमोडिटीज, शेयर बाजार और आपका नफा नुकसान राशियों के आधार पर बात करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आज आपका भविष्य, क्योंकि शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, कृषि जीन्स, यदि आप मुनाफा नहीं कमा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। बाजार ऊपर चल रहे हैं लेकिन आपको नुकसान हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। तो भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, और एक एक तत्व को 3-3 राशियों का स्वामित्व दिया गया है। तो सबसे पहले अग्नि तत्व की राशियां 1, 5 और 9। 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि, आज आपके लिए दिन शायद मुफीद ना रहे। जल्दबाजी, तुरंत निर्णय लेने की आपकी अद्भुत क्षमता आपको अक्सर दूसरों से आगे लीड करा देती है, लेकिन आज ग्रह स्थिति अनुसार संभवतः आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा लिए गए निर्णयों के आधार पर आपको नुकसान होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। सावधानी पूर्वक ट्रेड करें, खासकर 12 से 1 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखिए। 2-4-10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, आपके लिए दिन आज मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 3, 7, 11 माफ कीजिएगा, यानी वायु तत्व की राशियां, आपके लिए दिन आज अच्छा रहेगा, लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगी, आप विशेष लाभ कमा सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको रखना ही है अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, आपके लिए दिन आज अच्छा रह सकता है, लाभ कमा सकते हैं, लेकिन 2 बजे के बाद एक बार दिन परिवर्तन हो सकता है, अतः आपको अतिरिक्त सावधानी रखिए। एक और महत्वपूर्ण बात, आज की जो प्लेनेटिकल कंडीशन है, आज चंद्रमा कर्क राशि के अंदर है, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर है, शनि मकर राशि के अंदर है, सूर्य वृश्चिक राशि के अंदर है, मरकरी और केतु के साथ, और राहु आज वृषभ राशि के अंदर है। इन ग्रह प्रणय ग्रह स्थिति अनुसार बाजारों के अंदर विशेष ख्याल रखना की आवश्यकता है आज वृषभ राशि को। वृषभ राशि बहुत तीव्र बुद्धि की होती है, लेकिन शाम को 8 से 10 बजे के बीच में रखनी है अतिरिक्त सावधानी, खासकर एमसीएक्स ट्रेडर्स के ऊपर। जी अखिलेश जी। जी जी कर्नल अजय जी, तो ये तो हमने जाना था कर्नल अजय जी से कि कौन सी राशियों में मुनाफा लिखा है और आज आपका राशियों के हिसाब से ज्योतिष के आधार पर दिन कैसा रह सकता है। अब कर्नल अजय जी से जानेंगे कि ज्योतिष के आधार पर और टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस के आधार पर कृषि फसलों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, किन कृषि फसलों में आज मुनाफा लिखा हुआ है और कौन सी कृषि फसलें आगे भी आपको मुनाफा देती नजर आ सकती हैं। कर्नल अजय जी, वो कौन सी कृषि फसलें होंगी जिनमें आज अच्छा मुनाफा लिखा हुआ है और आगे भी अच्छा मुनाफा देंगी? देखिए, जो हम चर्चा करेंगे मसालों पर, आज मसालों के अंदर हमें लाल मिर्च के अंदर तेजी की संभावनाएं नजर आ रही है। आपको याद होगा कि पिछली बार भी हमने लाल मिर्च के ऊपर और काली मिर्च के ऊपर कुछ चर्चाएं की थी। मसालों के अंदर लाल मिर्च और काली मिर्च के अंदर मुझे तेजी की संभावना बन रही है, और इसमें भी विशेष ये है कि जहां तक दक्षिण भारत के अंदर जो तेज बरसात और फसलों को खराब होने का भी लगातार अंदेशा जताया जा रहा है, उसको देखते हुए और त्योहारी मांग जो है उसको देखते हुए मुझे लगता है मसालों के अंदर लाल एवं काली मिर्च के अंदर तेजी की संभावना बन सकती है। इसके अतिरिक्त कोरिएंडर यानी धनिया के अंदर भी मुझे मजबूती की संभावना है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। जीरे के ऊपर भी नजर रखी जा सकती है, उसके ऊपर भी मुझे कुछ उतार चढ़ाव जरूर होता है बाजारों के अंदर, लेकिन कुल मिला के जीरे के अंदर भी मुझे कोई खास बड़ी कमजोरी की संभावना नजर नहीं आ रही है।
और एक यदि गवार के ऊपर एक प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा था, गवार के ऊपर भी मुझे लगता है कि अभी खबरें आ रही हैं ग्राउंड ग्राउंड से और कुछ बाजारों में सुगवाहट भी है कि कुछ बड़ी कंपनियां गवार सीड के अंदर, गवार गम के अंदर बहुत ज्यादा रुचि ले रही हैं और उन रुचि के कारण ही बाजारों के अंदर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। खबर यह भी मिल रही है कि NCDX और NSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के ऊपर भी कुछ आपस में मर्जर की बात चल रही है, उससे भी कुछ परिवर्तन आने की उम्मीद कारोबारियों में आ रहा है कि उसमें कुछ नियम कायदे के अंदर कुछ बदलाव हो सकता है और वो बदलाव क्या कारोबारियों के लिए सही होगा या उनके लिए मार्जिन के लिए कुछ अलग होगा, ये भी एक असमंजस की स्थिति बन रही है। तो इसलिए गवार सीट के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर बड़ी उतार चढ़ाव चल रहा है और उसके अंदर ज्यादातर यही समझा जा रहा है कि कुछ बड़े कारोबारी कंपनियां इसके अंदर रुचि ले रही हैं और इसी वजह से कुछ हलचल चल रही है। तो गवार के फंडामेंटल कुल मिला के मजबूत हैं और जो किसान बंधु और छोटे और मझोले व्यापारी हैं उनको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं कि गवार के अंदर जो ये निचले स्तर के ऊपर जो हरकतें हो रही हैं वो बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि है ना अब बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता है। तो इसलिए गवार के व्यापारी कारोबारी आप थोड़ा सा विशेष ख्याल रख सकते हैं। अखिलेश जी। जी कर्नल जी, जी तो यानी कि ग्वार में फंडामेंटल्स तो पहले से जो मजबूत हैं वो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब कंपनीज की जो भागीदारी है ग्वार में अब वो और बढ़ती नजर आ रही है। सुनने में आ रहा है जैसे कर्नल जी ने बताया कि कुछ खबरें भी मिलती नजर आई है मार्केट टाइम्स टीवी को भी कि जो कंपनीज हैं वो ग्वार गम और ग्वार सीड में ज्यादा रुचि दिखा रही हैं। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड ग्वार की और ज्यादा बढ़ती है और जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो निकल के सामने आती है तो ग्वार की जो तेजी है वो अब और ज्यादा देखने को मिल पाएगी, जैसे कर्नल अजय जी ने लगभग 6-7 महीने पहले अपनी प्रिडिक्शन में बोला भी था, भविष्यवाणी भी की थी मार्केट टाइम्स टीवी चैनल पर ही करी थी कि ग्वार की कीमतों में अभी और तेजी देखने को मिलेगी। और ये उन्होंने तब बताया था जब ग्वार 3,000-4,000 के दायरे में देखने को मिला था और आज आप खुद ही देख रहे हैं कि 4-5 गुना तक ग्वार की कीमतें भी जा चुकी हैं। तो उतना पहले कर्नल अजय जी ने वो अपना एनालिसिस दे दिया था और अभी भी देख ही रहे हैं कि ग्वार की कीमतों में जो तेजी है वो जारी है। हालांकि अभी पहले कुछ दिनों से कुछ हल्की नरमी देखने को मिली है, लेकिन अगर फिजिकल में खरीदारी निकलती है तो उसका एक रिफ्लेक्शन फ्यूचर मार्केट्स पर भी पड़ता नजर आएगा। कर्नल अजय जी, यहाँ से दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ कुछ जो सोयाबीन के बारे में जानना चाहते हैं। सोयाबीन कर्नल अजय जी, हमने निचले स्तर भी आते हुए देखे हैं, MSP से नीचे भी बिकती हुई देखी है, लेकिन अब देख रहे हैं कि काफी शानदार तेजी पकड़ा हुआ है सोयाबीन ने। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये तेजी अभी और आगे जारी रहेगी या फिर आगे जाके कहीं ना कहीं थम भी सकती है? देखिए अखिलेश जी, आपको याद होगा लगभग 1.5 महीने पहले जब सोयाबीन पे हमारा एक विशेष प्रोग्राम आपके साथ हमने इंटरव्यू किया था और यही कहा था कि सोयाबीन के अंदर जो 5,000 के आसपास का जो भाव है और ये भाव बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है ना किसानों के लिए ना व्यापारियों के लिए, और जो कड़े कदम सरकार उठा रही है वो उसके अंदर किसानों को रोष भी हो सकता है। और वैसे ही हुआ, किसानों ने माल नहीं दिया, किसान डटे रहे और निचले स्तर पे उन्होंने माल नहीं दिया। ये मुझे लगता है कि ये किसानों की जीत है, ये कारोबारियों की जीत है कि जब मन मर्जी से यदि कुछ भी कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से जो किसान हैं या कारोबारी हैं वो भी अपने दिमाग से काम करेंगे। मुझे आपका जो सवाल है कि सोयाबीन में आप क्या, लगभग 25% की बड़ी तेजी निचले स्तर से हो चुकी है। देखिए, कोई भी तेजी या मंदी एक साथ नहीं चलती है और यदि मंदी है तो भी या तेजी है तो उसमें कुछ ना कुछ पहुंच जाता है। लोग छोटी अवधि के अंदर आप थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए हम लगातार आपसे हर रोज जुड़ते हैं, हम कुछ ना कुछ बात करते हैं। तो सोयाबीन के अंदर मैं ये कहूंगा कि यदि आपको मुनाफा आ रहा है अच्छा खासा तो उसके अंदर थोड़ा बहुत मुनाफा बुक करने में कोई बुराई नहीं है। कहा जाता है कि मुनाफा जो आपकी जेब में आ जाए, मुनाफा वो नहीं जो डब्बे में है, मुनाफा वो नहीं है जो खेत में, मुनाफा वो नहीं है जो बाजार में, आपकी जेब में जो पैसा आ जाए, आपके बैंक में जो पैसा आ जाए वो पैसा आप मान लें, क्योंकि ये बाजारों के अंदर तेज हलचल होती है, ऊपर नीचे के स्तर लगते रहते हैं, ये हर रोज का काम है और ऐसा होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि यदि तेजी मंदी ना हो, रिस्क नहीं हो तो हर कोई कारोबार कर ले, हर आदमी क्यों वो बाकी चीजों में ध्यान देता है।
तो इसलिए कुछ मुनाफा मिलता है तो ले लेना चाहिए। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो यानी कि सोयाबीन की कीमतों में जो तेजी है वो आगे भी जारी रह सकती है, और ये जो जीत है वो किसानों की वजह से ही संभव हो पाई है, क्योंकि किसानों ने अपनी स्टॉक करने की जो क्षमता है अब उसको बढ़ाया है धीरे धीरे। किसान भी समझ रहे हैं कि जितना सोयाबीन को इस समय स्टॉक कर लिया जाएगा उतना ही अच्छा मुनाफा आगे भी देखने को मिलता रहेगा। कर्नल अजय जी, ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे कि एग्री कमोडिटीज का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, अगर बात करें यहाँ से अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की, तो टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक आज नॉन एग्री कमोडिटीज का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए नॉन एग्रो कमोडिटीज में कल आपको याद होगा कि पूरा बाजार कल आपने जो बुलियन के ऊपर बात की थी आपको याद हो तो मैंने कहा था बुलियन में अतिरिक्त सावधानी रखिए, बच के चलिए। कल गोल्ड और सिल्वर ने ताशा गिरावट की, लगभग 20-22 डॉलर तो गोल्ड के अंदर करेक्शन हुआ 1.5% से अधिक, और चांदी ने तो बिल्कुल एक तरफा नीचे गिरावट हुई 3.5-4% की। उम्मीद है कि मार्केट टाइम्स के दर्शक जो कल हमारे साथ जुड़े होंगे हमारा इशारा उन्होंने समझा होगा। याद रखिएगा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवत विश्व की सबसे पुरानी और कारगर और कामयाब पद्धति है जो आपको तेजी मंदी उतार चढ़ाव के बारे में सटीक अनुमान और विश्लेषण प्रस्तुत करती है, चाहे वो मानसून हो, चाहे कोविड जैसी महामारी हो, या फिर कृषि जीन्स हो, या फिर नॉन एग्रो कमोडिटीज हो, या फिर बाजार, चाहे वो शेयर बाजार हो या मेटल बाजार हो। कल आपको हमने कहा था कि आज देखिए कि कॉपर में उतार चढ़ाव वाले बाजार के अंदर मुझे कॉपर अच्छा लग रहा है। कल कॉपर ने सारी कमोडिटीज के अंदर परेशानियां थी लेकिन कॉपर के अंदर मजबूती से वो टटा हुआ था। आज मैं कह सकता हूं कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर यानी क्रूड ऑयल के अंदर मुझे मजबूती नजर आ रही है। गौरतलब है कि जब क्रूड ऑयल 82 और 83 डॉलर था तब हमने कमजोरी की बात की थी और क्रूड ऑयल लगभग 76 डॉलर तक नीचे गया, तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन विशेष ख्याल रखिएगा कि जैसे मैं हर शो में आपको आगाह करता हूँ, बताता हूँ, और ये मेरा फर्ज भी है कि इन बाजारों के अंदर वही पैसा बना सकता है जो अपनी क्षमताओं पे काम करता है, जो अपने तरीके से काम करता है, स्टॉप लॉस टारगेट के से काम करता है और मैक्सिमम नुकसान को झेलने की क्षमता के अपना निर्धारित कर लेता है। उस यदि आपकी क्षमता नुकसान झेलने की 2% की है तो आप बिल्कुल 2.5% मत कीजिए, 3% मत कीजिए, 4% मत कीजिए, किसी की बात मत सुनिए, उससे ज्यादा आप मत झेलिए, क्योंकि बाजार कहीं नहीं गए हैं, बाजार वापस आएंगे। लेकिन यह है कि यदि आपकी सीड कैपिटल यानी मूल पूंजी अभी टूटती है तो उसके अंदर आपको चिंता होनी स्वाभाविक है। तो विशेष ख्याल रखें इस चीज का। एक और ये एक डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का लाभहानि या किसी भी प्रकार का व्यापारिक निर्णय आप लेने से पहले आप स्वयं का विवेक, अध्ययन और अपने सलाहकार से भी अवश्य आप राय कर लें। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी। कर्नल जी, जैसे आपने बताया कि 1-2 दिन के अंदर कच्चे तेल में आपको तेजी की आशंका लग रही है, कर्नल जी मेरा आपसे कच्चे तेल को लेकर सवाल रहेगा कि जैसा कि हाल ही में हमने देखा भी है और सुना भी, खबरें भी ऐसे निकल के सामने आई हैं कि अमेरिका हुआ, भारत हुआ और जापान समेत अन्य जो देश हैं अब वो अपने जो ऑयल रिजर्व्स हैं कच्चे तेल के उसमें से इन्वेंट्रीज निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं जो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं लगातार, उन पर थोड़ा काबू पाया जा सके। क्या ऐसे में जब स्टॉक पाइल्स बढ़ रहे हो, इन्वेंट्रीज को रिलीज किया जा रहा हो लगातार और काफी देश एक साथ एकत्रित हो रहे हो इस चीज के लिए, तो क्या कच्चे तेल में तब भी तेजी बनती नजर आ पाएगी? बहुत अहम सवाल पूछा है। देखिए कि भारत के साथ साथ कुछ दूसरे देशों ने भी जब कच्चा तेल बहुत बुरी तरह से नीचे पिटा था तो अपने ऑयल रिजर्व बना लिए थे और उसका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ की विश्व में सबसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशन ओपेक का है जी। जो कच्चे तेल के भावों को नियंत्रण करना, उनको आगे उसमें लगातार मजबूती बनी रहे, क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं मिडिल ईस्ट, जो मध्य पूर्व के जो देश हैं, खाड़ी के देश हैं या रूस जैसी देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर ही चलती है और यदि कच्चे तेल के अंदर एक सीमा से ज्यादा गिरावट आती है तो उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगता है। और इसी वजह से इन्होंने ये जो तेल उत्पादक कंपनियां हैं
वो उन्होंने अपना संगठन को इतना मजबूत कर रखा है कि एक लेवल से नीचे जाते ही ये सब एकजुट हो जाते हैं और उस एकजुट होने के बाद ये कच्चे तेल के अंदर मजबूती वापस ले आते हैं। लेकिन अब आपका सवाल यह है कि जब भारत सहित अमेरिका, जापान और बाकी जो देश हैं उन्होंने जो कच्चे तेल की अपनी रिजर्व बनाए हैं उन रिजर्वों का वो अब इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है कि इसके अंदर ऐसा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन जो है मुझे कच्चे तेल में तेजी की का रुख अख्तियार हो सकता है। और उसमें एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि कच्चे तेल के अंदर जैसे ही बड़ी गिरावट आती है सारे देश जो तेल उत्पादक देश हैं ये एक एक दिशा के अंदर लामबंद हो जाते हैं और वो वापस वह क्रूड ऑयल के अंदर तेजी ले आते हैं। और कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन की भी संभावनाएं शायद आगे 2-3 दिन के अंदर कुछ बन सकती है, उसके वजह से भी कच्चे तेल के अंदर एक बाउंस बैक बनता है। और थर्ड, जो अभी विंटर सीजन चालू हो चुका है, देखिए विंटर सीजन के अंदर कच्चे तेल के अंदर अक्सर गिरावट की संभावनाएं कंपैरेटिवली कम होती हैं एज कंपेयर टू द समर सीजन। समर सीजन के अंदर विंटर क्रूड ऑयल की कीमतों के अंदर कमी अक्सर होती है, लेकिन विंटर सीजन जो है वो अक्सर क्रूड ऑयल को तेजी की तरफ ही ले जाता है। इन सबको देखते हुए इसमें हीट ऑयल भी शामिल है और जो देश बर्फीले देश हैं वहां भी इसकी खपत को थोड़ा में बढ़त देखी जा सकती है। तो कुल मिला के मुझे अभी कच्चे तेल के अंदर मेरा आकलन तो यही कहेगा कि कोई बहुत बड़ी गिरावट की जो उम्मीद लगा के बैठे हैं ऑयल रिजर्व के लिए, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर संभावना वो पूरी ना हो। मुझे लगता है कि कच्चे तेल के अंदर तेजी की संभावना बन सकती है। जी अखिलेश जी, जी तो टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक कर्नल अजय जी का यही कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले 2-3 दिनों में तेजी बनने की पूरी पूरी संभावना है। वही ओपेक की बैठक 2 दिसंबर को होने वाली है, अब आउटपुट को लेकर कोई निर्णय आएगा या नहीं आएगा अब ये ओपेक पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि कच्चे तेलों का जो संगठन है ओपेक और उसके सहयोगी देश अब कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर कुछ फैसला लेंगे या नहीं ये उसी मीटिंग में देखने को मिल पाएगा। क्योंकि ओपेक के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ चुका है काफ़ी देशों से कि कच्चे तेल का जो उत्पादन है अब वो बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि कच्चे तेल के जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी हाई देखने को मिल रहे हैं जिसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर साफ साफ पड़ता नज़र आ रहा है। कर्नल अजय जी, यहीं से बात करें अगर शेयर बाज़ार की, तो ज्योतिष के आधार पर आज शेयर बाज़ार कैसा रह सकता है? देखिए शेयर बाजार, जैसे आपको याद होगा हमने पिछले 2-3 प्रोग्राम में लगातार आपको यही कहा था कि आप सेंसेक्स और निफ्टी की तरफ मत देखें, और वैसे ही हुआ, सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तेज गिरावट की दर्ज की तरफ हुई। हमने आपको याद होगा वेदांता और मेटल स्टॉक्स पे तेजी की बात कही थी और वो वैसे ही कुछ बाजारों के अंदर देखने को मिला भी। मुझे लगता है कि निचले स्तर के ऊपर जो भी माल खरीदना चाहता है उसको अच्छे स्टॉक्स जैसे पीडीलाइट इंडस्ट्री है, एशियन पेंट है, टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियां हैं उनके ऊपर आप नजर रखें। एक अंडरलाइन कर सकते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या टाटा स्टील, इन कंपनियों पर आप नजर रखें और अपने निवेश के अंदर इसको शामिल करें। धीरे धीरे मान लो आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 20-30 शेयर करके 3-4 बार खरीदें और आने वाले 2-3 महीने में मुझे लगता है कि इसमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। याद रखिएगा, जब भी आप निवेश करें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, जब तक आप निचले स्तर पर माल नहीं पकड़ेंगे तो आप माल नहीं बेच पाएंगे। आप तेजी में तेजी कर रहे हैं, मंदी में मंदी कर रहे हैं तो नुकसान करते कुछ नहीं होगा। आप मंदी के अंदर अच्छे सेलेक्टेड स्टॉक्स पकड़ें और उसको आप अपने पास रखें तो आपको मुनाफा होगा। जैसे फसल के टाइम आता है, आपको देखा जो भी कृषि जीन्स हैं उसके भाव गिरते हैं और जिन्होंने फसल के टाइम पे अच्छी निचले स्तर पे जो माल खरीद लेते हैं वो बाद में अच्छा मुनाफा लेके बेचते हैं। ऐसे ही कुछ सोयाबीन में, जैसे आपने देखा कि 5000 के जो सोयाबीन आज 6400 रुपये बिक रहा है, तो ये क्या है, ये 25-30% एक डेढ़ महीने के अंदर कमाई है। इसी तरह से शेयर बाजार के अंदर जब गिरावट आ रही है तो उस गिरावट के अंदर अच्छे नगीने आप ढूंढो, आप उसके अंदर पिक करो जो हमने आपको बता रहे हैं उसके ऊपर, उस पर आप नजर रखो, अपनी खुद का स्टडी भी करो और उसके बाद अपना मुनाफा मिलता है तो आप आराम से बेचो। और उसके अंदर और लगातार हम पिछले 1.5-2 साल से आपसे चर्चा कर रहे हैं, जो भी स्टॉक्स में हमने चर्चा की, चाहे वो दिवाली पिक हो या आपको मंथली पिक हो या वीकली पिक हो या आपको डेली पर हम बात करते हैं, तो इसमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। देखिए शेयर बाजार के अंदर मैं क्यों आपको बार बार इसके ऊपर नजर रखने के लिए कहता हूँ कि शेयर
एनसीडीएक्स के ऊपर आपको एक पूरा लॉट लेना पड़ता है, उसके लिए मिनिमम मार्जिन मनी जमा होती है और एक बड़ा आपको में इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन शेयर बाजार में आप चाहे तो एक शेयर भी खरीद सकते हैं। यदि रिलायंस का शेयर खरीदना है तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप उसके अंदर बड़ा निवेश करें, एक शेयर की कीमत पे खरीद सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया खरीदना चाहते हैं 110-112 रुपए का शेयर है, उसमें आप 10 शेयर लेना है 10 शेयर लीजिए, 20 शेयर लेना चाहे 20 है तो 20 ले, 50 है तो 50, 100 है तो मतलब आप 1000-2000 रुपए के अंदर भी निवेश करके इसमें काम कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है, यही वजह है कि शेयर बाजार के अंदर पूरा विश्व इसको बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और लगातार भारत के अंदर भी इसके निवेशक करोड़ों की तादाद के अंदर ये निवेश करते हैं और लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो जैसा कि कर्नल अजय ने बताया कि शेयर बाजार में वक्त पर मुनाफा वसूली करना बहुत जरूरी है, काफी वॉलेटिलिटी भी हमने पिछले कुछ दिनों में शेयर बाजार में देखी है, तो के साथ ट्रेड करें। कर्नल अजय जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा। कर्नल अजय जी, एग्री कमिटीज के टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से जिनमें आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? मिर्च और काली मिर्च, इनके ऊपर नजर रखना चाहूंगा, मुझे लगता है कि इसके कारोबारियों को लाभ मिल सकता है। और इसके अलावा धनिया और जीरे के अंदर भी मैं तेजी का रुख की ही बात करूंगा कि ये चार पिक जो है मुझे लगता है तेजी की और अग्रसर हो सकता है। इसके अलावा कल आपको याद होगा हमने कपास या खली के ऊपर भी बात की थी और कपास या खली के अंदर बहुत तेजी, मतलब खली यानी कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर काफी निवेशकों की नजर रहती है। तो मुझे ये लगता है कि इसके अंदर आने वाले 2-3 दिन के अंदर कमजोरी नहीं बन रही है, इसके अंदर तेजी बन सकती है। ये मेरा टॉपिक होगा, कपास खली पर आप नजर रखिए, तेजी की ओर अग्रसर होने वाली है आने वाले 2-3 दिन में, संभावनाएं पूरी पूरी है। जी अखिलेश जी। जी, तो जैसे कि कर्नल ने बताया कि मिर्च, काली मिर्च, कपास खली, ये एस और उसके साथ साथ उन्होंने धनिया और जीरा भी बताया, ये टॉपिक्स रहेंगे कर्नल अजय जी की तरफ से एग्री कमोडिटीज के कृषि फसलों में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। जैसे कर्नल अजय जी ने बताया कि बिनौला खल आने वाले 2-3 दिनों में तेजी की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ सकता है, तो आप इन एग्री कमोडिटीज पर नजर बनाकर चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना हुआ है मार्केट टाइम्स टीवी पर।